माय गॉड। हाय गाइस, माय नेम इज हर्ष तिवारी और आप लोग हैं मेरे चैनल पे वॉक विद हर्ष। तो आज का कंटेंट कुछ ऐसा है कि वॉक विद अस है। हाय गाइस, माय नेम इज कौशिका एंड दिस इज आवर चैनल वॉक विद अस। एक्चुअली सो या, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम हमारे कॉलेज का टूर करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आपको द नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टूर। मजा आएगा, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, चलते हैं अपने कॉलेज के टूर। लेट्स गो। सो दिस इज आवर कॉलेज नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर छोटा सा एक गार्डन बना के रखा हुआ है हमने। यहाँ पर एक सर्कल गार्डन है, उसके ऊपर ऐसे सब पेड़ों से पता नहीं क्या क्या कुछ करके रखा हुआ है। बाकी अच्छा है, एंट्रेंस अच्छी है। यहाँ से हमारे जो भी फैकल्टीज है, बड़ी बड़ी फैकल्टीज है, जैसे कि वाइस चांसलर हो गए या फिर और भी, तो यहाँ से एंट्री लेते हैं और फर्दर आपको बताते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारा पार्किंग है। यहाँ पे जितनी भी कार्स और बाइक्स होती हैं, अगर आप व्हीकल से आ रहे हैं अपने, तो आप यहाँ से पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। और दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, वहाँ पर उधर उस साइड पे एटीएम है, पीएनबी का एटीएम है। बाहर का इंसान आना चाहे। और ये जो है, ये हमारी एंट्री है। यहाँ पर कार्ड स्वाइप होता है, जो बच्चों की आईडी रहती है वो स्वाइप होती है उसमें। तो ये चीज़ अभी हालांकि बंद है, बाकी ये खुल जाता है। देन यू गो इन अ सैनिटाइजिंग रूम, साथ से सैनिटाइज जाता है। ये भी अभी बंद है क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है। और ये हमारा सिक्योरिटी रूम है। एंड दिस आर द फ्लैग्स। सिर्फ इंडियन भी हैं, नाइजीरियंस भी है, अफगानिस्तान से भी बहुत सारे लोग आते हैं और भी बहुत सारे अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स आते हैं। आपको हम व्यू देते हैं एक बार ऊपर चढ़ के, जैसे गर्मी बहुत हो रही है, दोपहर का टाइम है ना, तो उस कारण से। एक्चुअली हमने ना मॉर्निंग में एक शूट करी थी, और उसका क्या हुआ कि हमने शूट करी थी, कैमरा ऑन ही नहीं करा था। दिस इज द स्टेयर्स, और दिस इज द स्टेयर्स जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम तो कैफेटेरिया में मिले थे। बट यहाँ पर हम एक्चुअली क्या यूनिवर्सिटी घूम रहे थे, जैसा हम आपको मैं आपको करा रहा हूँ ना, जैसे इसने मुझे कराया था, अच्छे तरीके से कराया था। तो सो दिस इज आवर न्यूटन ब्लॉक, और यहाँ से कुछ ऐसा भी है हमारी यूनिवर्सिटी का, और यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ही अच्छी सी। यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा सर्विलियंस, ओके, डिसिप्लिन में रहिएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा। अंदर से हमारा कुछ ऐसा रहेगा, दिखता है बाकी ब्यूटीफुल सा है, मज़ा आता है पढ़ने में। और यहाँ पे हमारा नर्सिंग का डिपार्टमेंट है, हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जितनी भी नर्सिंग कोर्सेज होती हैं वो सारे कर जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ज़्यादातर क्लासेस जो हैं वो बंद हैं, क्लासरूम्स, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं नर्सिंग के। बाकी जो नर्सिंग का दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही कम आ रहे हैं, और कुछ बच्चे अभी बैठे हुए हैं, और नर्सिंग की क्लासेस कुछ ऐसी है। दीज आर द नर्सिंग क्लासेस, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। या सो दिस वॉज द नर्सिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर आगे और भी सारी लैब्स हैं, कुछ लैब्स हैं और भी चीज़ें हैं। हर क्लासेस में वाईफाई कवरेज दोनों मिल जाएंगे। सबसे अच्छी चीज यहाँ, मेरा देश महान, जय हिंद। अब जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर था जिसमें हमने स्कूल ऑफ नर्सरिंग और स्कूल ऑफ एजुकेशन देखे थे। तो और कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू आता है हमारे कॉलेज का, जहाँ से हमारा जो न्यूटन ब्लॉक है, और एडमिशन सेल यहाँ से लिंक होता है। एंड दिस इज द लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा हम बोल नहीं सकते में, लेकिन अभी तो बोल सकते हो ना, तो अभी तो आप तेज बोल सकते हो ना। और यहाँ पे आप चलते हो तो आपको कुछ ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर से आपका व्यू भी आता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिमी चू सुना होगा, मतलब ऑब्वियसली सुना होगा यार, उसकी शूटिंग कभी ध्यान से देखोगे ना, मतलब देखना, उसकी शूटिंग हमारे कॉलेज में हुई थी और यहीं पर हुई थी।
ऐसा ऐसा बहुत अलग सी फीलिंग आती है जब आपको लगता है ना कि ऐसा कुछ ऐसा अच्छा सा इंटरेस्टेड गाना है। हम और वो हमारा प्यारा वो हमारी क्लासेस है वहाँ पे, हमारी वहाँ पे क्लासेस लगती है थोड़ा जोश के साथ में। और यहाँ पर आपको ऐसा देखने को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आके रास्ता ख़त्म हो गया और यहाँ से आप कूद सकते हो, बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको आपके दिल पे हाथ रखना है और आपको थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा आपको ऐसा करके आगे जाके नीचे देखना है और यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ दिख जाएंगी। भगवान कभी किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ देता, हमेशा सीढ़ियाँ देता है। ज़्यादा हो गया नहीं, सो दिस इज द आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन। सारी पेंटिंग, सो दिस इज द स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स जो हमने आपको दिखाया है। यहाँ से स्टेयर से यहाँ से आप ऊपर जाते हो स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए, और ये हमारी लाइब्रेरी है। हम अंदर से आपको व्यू दिखाएंगे लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं, प्लीज। दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ अवर लाइब्रेरी। यहाँ पर कुछ ऐसे ही कागज वगैरह रखे हुए हैं। ये थी हमारी लाइब्रेरी, चार्ल्स डार्विन लाइब्रेरी। और अब हम आपका बताते हैं, नहीं हमको एक्चुअली नहीं पता चार्ल्स डार्विन कौन था, मुझे नहीं पता। नहीं एक्चुअली इसको तो पता है, मुझे बता नहीं रही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि भगवान ने जब कुछ नहीं दिया तो सीढ़ियां दी होती, तो ये रही वो सीढ़ियां जिम्मेजू गाने में क्या। ओके okay. मुझको स्टाइल दिखा रही थी तो मैंने ऐसे कर दिया। ओह माय गॉड, अब इस कॉलेज में आते हैं ना, आपका एक जो रहता है ना मोरल वो बूस्टअप हो जाता है, आप देख ही सकते हैं। कौशल लेट्स गो, एंड दिस इज द एडमिशन सेल। एडमिशन सेल अभी तक सिर्फ दो ब्लॉग्स दिखाए हैं। ब्लॉग में ब्लॉगिंग टेस्ट, दिस वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉग। यहाँ पर हमारे वीसी वगैरह रहते हैं। चल क्या खाएगी मैगी। चल ये हमारा हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक कंप्लीट। एक्चुअली वो आप तो जिसमें से एक मेरा फेवरेट है, जिसमें से एक इसका फेवरेट है। एक्चुअली मेरे दोनों ही फेवरेट है, ऐसा कोई फेवरेट वेवरेट चलता नहीं है। पहले एक और चीज़ दिखाते हैं आपको। नहीं हाँ सर, एवरी वन इज इंटरेस्टेड, पैसे में कौन इंटरेस्टेड नहीं रहता, पैसे में सब इंटरेस्टेड रहता है। जैसे ये जो ऑफिस है आपको फीस सबमिट करने का फाइनल ऑफिस है, लेकिन ये अभी बंद है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आके आप आपकी स्पोर्ट्स की जो भी चीज़ें हैं जैसी भी आपको लेना करना है वो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। बास्केटबॉल वगैरह सारी चीज़ें ऐसे इशू हो जाती है, घर घर ही नहीं मिलती है, इशू हो जाती है। आपको खेलना है क्रिकेट वगैरह तो उसके लिए, तो ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो आपको जब आप एडमिशन सेल से होते हुए आएंगे ना, तो आपको
जो हमारे यूनिवर्सिटी का सफर है वैसे पैदल नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसी गाड़ी दी जाएगी आपको इस गाड़ी में बिठा के। सो वर्ड, मुझे तो गाड़ी भी नहीं मिली थी, सच बता रहा हूँ। इनको मैं मिल गई थी ना इससे। ये बोलती रहती है, छोटी है मुझसे। किस में? हाइट में? हाइट में भी, उम्र में भी छोटा हो तो। और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड ग्राउंड दिख रहा है ना, वो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है। और अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा बेसबॉल और बास्केटबॉल का ग्राउंड था, जो आप शिफ्ट होकर नेम्स में चला गए हैं। अब आपको ये बॉर्डर दिख रही होगी ना, ये बॉर्डर के उस साइड पूरा क्रिकेट ग्राउंड है। और धूप में चलते हुए पसीना बहुत आ रहा है। हमने थोड़ा सा कट किया था, हमें थोड़ा वाटर ब्रेक चाहिए था और गर्मी इतनी है कि जूड़े बन चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं हमारे कैफेटेरिया। और पता है यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा इन्हें ट्रीज के नीचे बेंचेस लगा दिए हैं, तो वो बहुत ही एक विंटेज लुक देता है। ये कैफेटेरिया है हमारा, ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, अगर किसी को बास्केटबॉल खेलना हो तो ये हमारा कैफेटेरिया है। दीदी कोल्ड कॉफी दे दीजिए। यहाँ से हमारी दीदी ली जाती है। दीदी हाय। हेलो। हमारी दीदी हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमारे भैया हैं, वो हमारे अंकल है पीछे, बैठ के आराम से हमारी पेट पूजा करते हैं। या सो अभी हमने पेट पूजा हो गई है, अच्छे से हो गई है, चले अब भी हो गई है, इसकी बुनाई भी हो गई है। हमारा एकेडमिक ब्लॉक दिखाता है हमारे डिपार्टमेंट में। ऐसा हमारा डिपार्टमेंट अच्छा है बस, क्योंकि अपनी चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है। सिंपल सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये चलती रहेगी, बटन नहीं है इसका बंद करने का। दिस इज़ आवर एकेडमिक ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक। यहाँ पर आपको कुछ टेयर्स दे दी जाती हैं। फिलहाल लंच चल रहा है। ये आपका सैनिटाइज करने वाली मशीन है जो फिलहाल बंद है, ऐसा कुछ दिखता है। सो दिस इज हाउ इट्स लुक लाइक। ये टेनिस कोर्ट बना के रखे हुए हैं यहाँ पर। अब हमारी क्लासेस हैं यहाँ पर, मोस्टली लॉज और बीए और हमारी क्लास है, तो ये तीन हमारे ब्लॉक्स हैं, हमारी क्लासेस हैं। ये ब्लॉक्स है, ये हमारी क्लास है। सो गाइस दिस इज आवर क्लास, आवर वर्कशॉप, आवर प्लेस एवरीथिंग। सो दिस इज आवर क्लास, our favorite. Actually, this is our my class. His class. Our class is the next one. जैसे आप ऊपर वाले ब्लॉक, ऊपर वाले क्लासरूम से जा सकते हैं। वहाँ बी ए बी ए ऑनर्स वाला सेक्शन है। हम आपको हमारा स्टूडियो दिखाना चाहते हैं जहाँ पे हम एक्चुअल में वर्क करते हैं। सो दिस इज आवर ऑडियो विजुअल रूम, यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पर अभी भी एडिटिंग वगैरह चल ही रही होगी। सो दिस इज आवर रूम वेयर एडिटिंग इज गोइंग ऑन। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पर एडिटिंग चल रही है अभी। 15 अगस्त की जो अभी भी गया है। 15 अगस्त एक्चुअली हमारे कॉलेज में शूट, हमारे हम मीडिया डिपार्टमेंट में कॉलेज में जितना भी शूट होता है सारा मीडिया डिपार्टमेंट करती है। और उसके जो शूट वर्क्स रहते हैं, जैसे कि कुछ ये हो गया, जैसे हमारे कॉलेज की फुटेज है सारी। सो इसकी एडिटिंग चल रही है अभी। हाय प्रिया। प्रिया अभी सीख रही है। ये हमारे पीसीज हैं जिसपे हम काम करते हैं। सो दिस इज़ द टीवी जहाँ पर न्यूज़ चलती है। और ये कुछ क्लिक्स हैं बच्चों के, जो बच्चों ने कर रखे हैं मीडिया डिपार्टमेंट के। दिस आर सम क्लिक्स। ये दिस इज़ द एडिटिंग जोन एंड नाउ विल टेक यू टू द स्टूडियो जहाँ पे हम शूट करते हैं, एक्चुअल में शूट करते हैं, जहाँ पे प्रॉम्प्टर वगैरह रखा हुआ है हमारा और सारी चीज़ें। सो दिस इज़ द स्टूडियो, दिस इज़ द ग्रीन स्क्रीन, द विजुअल स्टूडियो। ये ग्रीन स्क्रीन रखी हुई है, हमारे पास सेली प्रॉम्प्टर है, हमारे पास ट्राइपॉड है, हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के सब कुछ एडिटिंग शूटिंग वगैरह, और वहाँ पे हम करते हैं एडिटिंग। तो आइए चलिए। एक्चुअली जो न्यूज चैनल्स रहते हैं ना, न्यूज चैनल्स में एक्चुअली सारी चीजें नहीं रहती, वो आपको सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन के सामने बिठा देते हैं और आप ऐसे के सामने जैसे कि ऐसे बैठ के वो न्यूज रीड करेगी। जो न्यूज होगी वो आएगी टेलीप्रॉम्प्टर। एग्जैक्टली।
और टेलीप्रॉम्प्टर, दिस इज द टेलीप्रॉम्प्टर जहाँ पे न्यूज़ लिखी हुई आएगी और कौशिता उसको देख देख के सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेगी। एग्जैक्टली, दीज आर द लाइट्स, दीज आर द लाइट सेटअप। ये अभी ऑन नहीं है, इनके इनको प्लग इन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी फैकल्टीज बैठी हुई हैं एंड दीज आर द सीलिंग सेटिंग्स ऑफ लाइट। आप वॉइस के वेरिएशन को देख सकते होंगे अगर आप कभी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। Now we show you the radio lab. मुझे लग रहा है यहाँ पे भी बच्चे बैठ के कर रहे होंगे जो क्लास के, जो हमारे एक्चुअली मैं व्लॉगिंग के चक्कर में बाहर आया हूँ, लेकिन मेरे क्लास के बच्चे जैसे हाँ है। दिस इज द रेडियो रूम। हाय रजत। हाय साहिल। सो अभी यहाँ पर एडिटिंग चल रही है, हमारे सीनियर्स के जो निकल चुके हैं उन लोग के क्लिप्स है वर्किंग के, और ये इनकी रिकॉर्डिंग चल रही है। हम या फिर कुछ भी ऐसी चीज हुई तो वो अक्सर हम यहाँ पर करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी स्टूडियोस थे उन सब में एसी लगा। हाँ, एक्चुअली मैं आपको वही बता रहा था कि गर्मी बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा आराम यहाँ पर आकर मिलता है, और बहुत आराम मिलता है। तो देयर इज वन मोर लैब, मल्टीमीडिया लैब। देयर इज वन मोर लैब, अपना प्रिंट मीडिया का सारा चीज करते हैं। दिस इज आवर मल्टीमीडिया लैब। हम आपको बताते हैं हमारा मेन कैफेटेरिया, मेन कैफेटेरिया जो है हमारा, जैसे ये तो अभी अभी खुला है, लेकिन इसके पहले जो मेन कैफेटेरिया है वो सामने है। सो स्पीक ना। सो दैट वाज आवर डिपार्टमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू कैफेटेरिया। सो गाइज, ये हमारा कैफेटेरिया जहाँ पे हम एक्चुअली हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। मैं एक्चुअली बॉटल भूल गया था, बस मैं बॉटल लेने आया था। सो दिस इज आवर कैफेटेरिया। ये एक्चुअली अभी उसको बंद करके रखा हुआ है, इसको चालू कर देंगे। दिस इज आवर कैफेटेरिया, लेके चलते हैं आपको। And this is also our favorite place. ये जो बेंच लगी हुई है, we usually we mostly sit here. And fight, then solve. So this is our cafeteria. वैसे कैफेटेरिया हमारा बहुत अच्छा है। जिसमें हम बैठ के mostly खाना खाते हैं, वरना मस्ती करते हैं। तो इंडर खेलते हैं। I know that one. So हमारा कैफेटेरिया कुछ इस तरह का दिखता है, like this. This was the cafeteria. यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है। This is the men's washroom. This is more than women's washroom. This is a cafeteria. यहाँ पर लोग बहुत कम हैं। अभी बहुत कम लोग हैं। So this is our cafeteria. पहले तो आंटी थी ना, जो आपको बताया था दीदी, उनका कैफेटेरिया यहाँ पर था, मतलब वो उनकी खिड़की वाली यहाँ पर रहते थे, लेकिन इसके बाद में उन्होंने चेंज कर लिया और वो उनने अपना मतलब अलग से कैफेटेरिया है उनका। तो आपको यहाँ पर रहना हो तो आप वहाँ पर रह सकते हो। वो खुला हुआ एरिया ना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये भी अच्छा लगता है, बट बारिश में नहीं लगता। तो कैफेटेरिया यहाँ पे मेन्यूज वगैरह लगे हुए, मेन्यूज वगैरह में फ्रिज वगैरह है। सो दिस, ये बिलिंग काउंटर है नाउ। सो दिस इज आवर कैफेटेरिया, और ये जो है ये हमारा पीछे वाला रास्ता है कैफेटेरिया से निकलने का, और यहाँ पर भी एक गार्डन है। अभी इसकी गार्डनिंग होने वाली हो रखी रहती है, बट अभी क्या है ना, कुछ टाइम से भी कोरोना चल रहा है उसके कारण। ये था हमारा कॉलेज का टूर, अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइस, बाय। स्पीक लाउडर, बट आई कांट स्पीक लाउडर। यू हैव टू स्पीक लाउडर।